हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास एट का मैथ्स क्लास नोट्स एक्सपोनेंट एंड पावर तो इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास एट का बिकॉज यहाँ पर कुछ आपके लॉज आएगी एक्सपोनेंट की ठीक है और इस चैप्टर से ये बेसिक चैप्टर है तो इस चैप्टर को सीखने के बाद में एक तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी जो एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड होती है क्लियर है तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या एक्सपोनेंट एंड पावर होती है तो देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एक्जाम्पल कभी आपने देखा होगा को कोई नंबर है जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ थ्री की पावर फोर ठीक है तो थ्री इज रेस्ट टू द पावर फोर इसको हम प्रोनाउंस ऐसे करेंगे यहाँ पर जो थ्री है ये हमारा क्या है ये हमारा बेस होता है ठीक है फोर जो होता है ये एक तरह से एक्सपोनेंट होती है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट क्लियर है बात और इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर को क्या बोलेंगे एक तरह से पावर बोलेंगे कि ये नंबर जो है वो पावर है ठीक है क्लियर है इसका नाम एक तरह से पावर है जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख रखा है कि टेन रेस टू द पावर नाइन ठीक है इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं टेन रेस टू द पावर नाइन टेन जो होगा वो बेस होगा नाइन जो होगा वो एक्सपोनेंट होगा और इस ये पूरा नंबर ये पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे पावर बोलेंगे क्लियर है बात कोई दिक्कत ठीक है अब इसका मतलब क्या होता है देखो थ्री रेस टू द पावर फोर अगर मैंने लिखा थ्री रेस टू द पावर फोर लिखा इसका मतलब क्या है कि जो थ्री है ना वो फोर टाइम्स है थ्री जो है वो फोर टाइम्स है तो थ्री फोर टाइम्स आपको लिखना है मल्टीप्लीकेशन के अंदर इसका मतलब ये होता है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितने टाइम्स हो गया वन टू थ्री फोर क्लियर है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिखता हूँ टू रेस टू द पावर थ्री इसका मतलब क्या है टू को आपको थ्री टाइम्स लिखना है तो ये थ्री टाइम्स हमने लिख दिया मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लियर है समझ गए आप इसका मतलब ठीक है चलिए तो जैसे टेन रेस टू द पावर नाइन लिखा हुआ है तो टेन को मल्टीप्लाई में नाइन टाइम्स लिखना है तो यहाँ पर देखिए लिख रखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइम्स टेन क्लियर है तो इस टाइप से और वी प्रोनाउंस इट एज टेन रेस टू दी पावर नाइन तो आप एक बार नोट्स पढ़ लेना पूरे ठीक है पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट आपको क्या दिखाता है देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं कि टेन की पावर माइनस टू ये लिखा मैंने और टेन की पावर माइनस टू को अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है क्या हो जाता है रेसिप्रोकल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेन की पावर माइनस टू है इस माइनस टू पावर को जो माइनस टू एक्सपोनेंट है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ पॉजिटिव में कन्वर्ट मतलब प्लस टू करना चाहता हूँ तो प्लस टू करने के लिए क्या करना होगा ये जो बेस होता है ना ये रेसिप्रोकल हो जाता है अभी देखो बेस क्या है यहाँ पर टेन है टेन मतलब नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है एक तरह से डिफॉल्ट वन होता है तो टेन अपॉन वन है एक तरह से ठीक है बेस जो है वो टेन अपॉन वन है जब टेन अपॉन वन की पावर जो एक्सपोनेंट है पावर है जो माइनस टू है है ना इसको माइनस पावर भी बोलते हैं एक तरह से ऐसा है जैसे कई बार आप ऐसे भी बोल सकते हो थ्री की पावर फोर इसको एक तरह से ऐसे भी बोलते हैं लेकिन ये थ्री की पावर फोर ये मतलब पूरा फोर होता है थ्री रेस टू पावर फोर आप ऐसे बोल सकते हो ठीक है क्लियर है तो चलो शॉर्टकट में बोल देते हैं थ्री की पावर फोर ऐसे तो देखो टेन की पावर जो माइनस टू है टेन रेस टू दावर माइनस टू है तो जब भी आप नेगेटिव पावर को नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है आपका क्या बेस तो टेन अपॉन वन क्या हो जाएगा हमारा वन अपॉन टेन हो जाएगा और जो इसकी एक्सपोनेंट uh, है माइनस टू यह कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में तो टेन के पास में पॉजिटिव पावर लग जाएगी पॉजिटिव एक्सपोनेंट लग जाएगा तो वन अपॉन टेन की पावर टू आप बोल सकते हो क्लियर है बात तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आप जा सकते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जा सकते हो ऐसे ही ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ऐसे बोल रखा है कि थ्री रेज टू द पावर फोर ऐसा बोला हुआ है है ना और इसकी पावर को इसकी एक्सपोनेंट को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है मतलब फोर को माइनस फोर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे रिसीप्रोकल कर दो थ्री अपॉन वन है ना तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री रेस टू दावर माइनस फोर क्लियर है तो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव भी कर सकते हो पावर को पॉजिटिव टू नेगेटिव भी कर सकते हो कोई परेशानी वाली बात नहीं तो आइडेंटिटीज होती है सिंपल सी बात है ए की पावर ए रेस टू दी पावर माइनस एम जो होगा वो नेगेटिव को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो ए अपॉन वन को क्या कर दो वन अपॉन ए पॉजिटिव पावर लगा दो ये लो देखो आई एंटीज बन रही है तो रेसी ही तो हो रहा है सिंपली क्लियर है तो एक्सपोनेंट को नेगेटिव टू तो पॉजिटिव या पॉजिटिव टू तो नेगेटिव कन्वर्जन के लिए नंबर को रेसिप्रोकल कर दो क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या है हमारे पास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखो इस चैप्टर की एक तरह से नीव जो है जो बेस है वो यही है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ठीक है अगर आपने ये कर लिया ना ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ आ, आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है कौन कौन सी ए की पावर एम जो होता है वो देखो ए की पावर एम को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे ए की पावर एन से तो बेसिस तो सेम है तो बेस हमने रख दिया मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्या होता है देखो जब भी बेसिस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है याद ध्यान रखना बेसिस सेम है पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन के अंदर है तो उनकी पावर क्या हो जाती है हमारी प्लस हो जाती है तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगी मतलब ए के जो एक्सपोनेंट होंगे वो एम प्लस एन हो जाएंगे क्लियर है बात सिंपल सी बात है ए की पावर एम ठीक है और उसकी भी होल पावर एन इसको बोलते हैं ए की पावर एम उसकी भी होल पावर एन तो क्या हो जाता है हमारा ए की पावर एम एन ये क्या हो जाती है हमारी तरह से मल्टीप्लीकेशन हो जाती है ठीक है सिमिलरली देखो ए की पावर एम इंटू हो गया अब इसमें डिवीज़न भी हो सकता है ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन तो क्या बनेगा ए की पावर एम और ए की पावर एन बेसिस सेम है पावर डिफरेंट है और जब डिवाइड होता है तो ध्यान रखना डिवाइड में हमारी पावर माइनस हो जाती है यहाँ पर प्लस हो रही थी ना मल्टीप्लीकेशन के केस में हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है तो ए की पावर माइनस एम माइनस एन हो जाएगी क्लियर है यहाँ पर क्या होता है हमारा एम जो होता है वो ग्रेटर देन होगा एन से ये बात ध्यान रखना क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हमारी पावर सेम है एक्सपोनेंट सेम है जैसे कि ए की पावर एम और इंटू में है बी की पावर एम मतलब देखो एक्सपोनेंट एम एम हो गया मतलब एक्सपोनेंट हमारा सेम है लेकिन बेस हमारा डिफरेंट हो गया तो इसकी क्या बनेगी लॉज हमारी ए बी की जो कॉमन पावर है वो बन जाएगी एक इन टू बी कर दो ए को मल्टीप्लाई कर दो बी से और कॉमन पावर लगा दो एम बस याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है ठीक है किसी की भी पावर अगर ज़ीरो होती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए की पावर अगर जीरो है तो हमेशा क्या आता है वन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूँ फोर की पावर जीरो तो इसका आंसर क्या होगा वन ध्यान रखना किसी की भी पावर अगर ज़ीरो है तो क्या होता है वन होता है ठीक है चलिए देखो अगर मैं कहता हूं ए की पावर वन तो ए की पावर वन ए की पावर वन मतलब क्या है ए कितने टाइम्स है वन टाइम्स है तो ए वन टाइम्स है तो ए आएगा ए की पावर वन जो होगा वो ए होगा ठीक है चलिए अब देखो एक आई एन होती है है ना रिसीव वाली जैसे वन अपॉन ए की पावर एन है, है ना तो ए की पावर माइनस एन हो जाएगी बात समझ लो या मैं बोलूँ ऐसे ऐसे समझ लो या तो इसको इसको ऐसे आप समझ सकते हो ए की पावर माइनस एम है ये मान के चलो तो रेसिप्रोकल हो जाती है ना नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो वन अपॉन ए की पावर पॉजिटिव एम हो जाएगी क्लियर है तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए सिंपल सी बात है तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं यहां पर देखिए सेवन देखो इसके साथ ही मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे सेवन की पावर थ्री है ठीक है सेवन रेस टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई में सेवन रेस टू दी पावर फोर तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर बेसिस सेम है पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा हमारा पावर को ऐड कर दो सेवन रेज टू द पावर थ्री प्लस फोर तो सेवन की पावर सेवन हो जाएगा ठीक है सेवन की पावर थ्री और होल पावर फोर तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सेवन की पावर ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है तो ये एग्जाम्पल्स आप देख लेना एक बार और कुछ मोर एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिक्स ठीक है रेज टू द पावर माइनस थ्री कि होल पावर फोर तो ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा मैंने आपको बताया था ये क्या हो रहा है एक तरह से ए की पावर एम की होल पावर एन तो क्या हो जाता है ए की पावर एम की होल पावर एन ए की पावर एम एन मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई तो सिक्स फोर इंटू माइनस थ्री कितना होता है माइनस ट्वेल्व अब देखो सिक्स की पावर माइनस ट्वेल्व इसको हम क्या कर सकते हैं पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं ना नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वन अपॉन सिक्स की पावर पॉजिटिव ट्वेल्व क्लियर है तो ऐसे कन्वर्जन आपको आने चाहिए तो ये एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कुछ नंबर्स लिखे हुए एक्स वाई जेड देखो मैंने ये क्यों लिखा एक्स वाई जेड और फिर जीरो जीरो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है एक्स वाई जेड एंड फिर जीरो 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 इस तरीके से ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई ऐसा लिखा हुआ है कोई नंबर फोर फिर जीरो 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 ये नंबर लिखा हुआ है और मैंने कहा इस नंबर को क्या करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है किस फॉर्मेट में चेंज करना है, में करना है. तो इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ऐसे लिखा हुआ है फोर जीरो 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 और आपको कह दिया मैंने कन्वर्ट करो भैया इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैसे करोगे तो देखो इसका एक सिंपल सा है आप एक बार लैंग्वेज के फॉर्म में ये स्टेप्स देख लेना ठीक है मैं आपको सिंपली वैसे बता देता हूँ इस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है तो देखो हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर दो टाइप बनते हैं एक तो होता है कि ओनली वन डिजिट होगा ठीक है फिर बाद में जीरो जीरो होंगे ठीक है हो सकता है कि एक से ज़्यादा डिजिट हो जैसे कि यहाँ पर देखो फोर है ओनली वन डिजिट है फिर ज़ीरो जीरो है ठीक है भाई जीरो 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 है लेकिन जीरो के साथ में ओनली वन डिजिट है अदर रीज वन है ठीक है वैल्यू वन है है ना हो सकता है कि दो डिजिट्स भी हो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ आ जाए थ्री फोर जीरो 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 जीरो, जीरो इसको कन्वर्ट या हो सकता है दो डिजिट देखो दो डिजिट है तीन डिजिट भी हो सकती है फोर डिजिट भी हो सकते हैं कहने का मतलब कितने भी और एक होगी ओनली वन डिजिट क्या करना होता है हमारे को इसमें कि आप सबसे पहले क्या करो यहां पर अगर ओनली वन डिजिट है तो वन डिजिट के बाद में क्या कर दो पॉइंट लगा दो क्या कर दो पॉइंट लगा दो तो यहां पर देखो यहां पर कहां पर पॉइंट लगाना आपको पहली डिजिट के बाद में ठीक है तो आप पॉइंट लगाओगे तो फोर और पहली डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो और फिर जीरो 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 लिख दो एक दो तीन चार पाँच ये पांच जीरो थे ये पांच लिख दिए क्लियर है बात कोई परेशानी अब इन जीरोस को आप देखो डेसिमल के बाद में जितने जीरोज हैं इनको काउंट करो तो वन टू थ्री फोर फाइव कितने जीरोज हैं फाइव जीरोज हैं तो आपको सिंपली क्या करना है आपको जो वैल्यू है पॉइंट के इधर क्या वैल्यू लिखी हुई है फोर लिखी हुई है तो फोर को आप लिख दो ठीक है फोर इंटू में टेन की पावर इनको क्या बना दो पावर बना दो टेन की पावर कितनी हो जाएगी कितनी पावर है बताओ कितनी जीरोज है फाइव है तो टेन की पावर फाइव क्लियर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया इसका फोर इंटू टेन की पावर फाइव बात समझ में आ रही है चलिए तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा ठीक है एग्जांपल अब चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं ठीक है अगर आपके पास में डिजिट जीरो के अलावा डिजिट्स अगर मोर देन वन हो जैसे यहाँ पर देखो टू डिजिट है है टू डिजिट आप क्या करो सबसे पहले पॉइंट अपने को प्लेस करना है तो पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद में प्लेस होगा तो प्लेस कहाँ पे होगा यहाँ पर यहाँ पर होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं थ्री पॉइंट फोर लिख सकते हैं बताओ कोई परेशानी है थ्री पॉइंट फोर अपन लिख सकते हैं ना ठीक है अब काउंट करो देखो अगर हम यहां पर प्लेस कर रहे हैं अब काउंट कर लो इसको कितने जीरोज़ हैं तो अगर मैं यहां पर प्लेस करता हूं तो पॉइंट के बाद में कितने जीरोज़ हैं देखो वन अब जीरोज़ नहीं करना है पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज़ हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितनी वैल्यूज़ हैं सिक्स वैल्यूज़ हैं तो हमारे को क्या लगाना है टेन की पावर सिक्स क्लियर है बात कोई परेशानी ठीक है तो देखो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू पॉइंट जीरो 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 इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसको देख लो आप टू लिखा हमने इन टू में पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज़ हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन जीरोज़ है तो टेन तो के साथ में नाइन जीरोस क्लियर है सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल में देखो वन सेवन थ्री तो हमने क्या करा वन पॉइंट लगा दिया फर्स्ट डेसिमल फर्स्ट वैल्यू के बाद में ही आपको फर्स्ट डिजिट के बाद में ही आपको क्या है? लगाना है पॉइंट लगाना है तो वन फिर पॉइंट सेवन थ्री ये पॉइंट सेवन थ्री लगा दिया अब इनको काउंट कर लो आप ठीक है तो यहाँ पॉइंट लगाया था हमने तो पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व कितनी वैल्यूज है ट्वेल्व वैल्यूज है तो आप क्या कर दो टेन के साथ में ट्वेल्व वैल्यूज लगा दो ट्वेल्व पावर लगा दो क्लियर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ऐसे ऐसे होता है कन्वर्ट तो, ठीक है तो किसी भी किसी का भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना आ गया ना अगर आपके पास में एक्स वाई जेड प्लस जीरो जीरो जीरो, जीरो इस टाइप से वैल्यू हो ठीक है एक्स वाई जेड में मतलब कुछ भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाए थे ठीक है एक फॉर्मेट आपके पास में आएगा कि पहले जीरो जीरोज जीरो आएंगे जैसे यहां पर देखो एक फॉर्मेट ऐसा आएगा कि जीरो पॉइंट जीरो 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 इस टाइप से और बाद में कोई वैल्यू आएगी पहले क्या था एक्स वाई जेड पहले आ रहा मतलब कोई वैल्यू पहले आ रही थी फिर जीरो जीरो यहां पर क्या हो रहा है पहले जीरो जीरो आ रहे हैं फिर एक्स वाई जेड आ रहा है अगर ऐसा फॉर्मेट आता है तो यहां पर हमेशा ध्यान रख लेना टेन की पावर नेगेटिव में आएगी वहां टेन की पावर क्या आ रही थी पॉजिटिव आ रही थी ना देखो टेन की पावर नाइन टेन की पावर ट्वेल्व टेन की पावर ट्वेल्व टेन की पावर नाइन और टेन की पावर सिक्स ठीक है यहाँ पर क्या आएगी अगर पहले जीरो जीरो, जीरो है पॉइंट के बाद में जीरो 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 फिर एक्स वाई जेड मतलब कोई वैल्यू है तो यहाँ पर हमेशा नेगेटिव पावर आएगी ये बात ध्यान रखना ठीक है नेगेटिव पावर आएगी क्लियर है अब देखो यहाँ पर क्या करना है अपने को नेगेटिव पावर का रीज़न आपको पता है क्या होगा क्योंकि हम देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई एग्जाम्पल दिया ज़ीरो ऐसे लिखा हुआ है ठीक है तो जीरो पॉइंट जीरो नाइन में हम क्या करेंगे सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे पॉइंट हटाने के बाद में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है वन टू वैल्यू है टू वैल्यू नीचे जीरो लगाएंगे टू जीरो लगा दिए अब ये हंड्रेड क्या लिखा हुआ है एक तरह से टेन की पावर टू तो लिखा हुआ है ये टेन की पावर टू है अब टेन की पावर टू को जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो आपको पता है अगर इसको ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ मतलब रेसी कर रहा हूँ टेन की पावर टू को मैं अगर ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा टेन की पावर माइनस ही तो होगा भाई ऊपर से नीचे अगर पावर को ले रहे हो तो नेगेटिव कर दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव ठीक है वो एक चीज़ कैसे हो रही है वन पाव, की पावर ए की पावर माइनस एम जो होता है वो वन अपॉन ए की पावर पॉजिटिव एम हो जाता है इसलिए तो हो रहा है क्लियर है बात समझे रहो तो देखो एक फॉर्मेट आपका क्या बनेगा इस टाइप से बनेगा ठीक है चलिए तो देखो आपके पास में कोई एग्जाम्पल है मान के चलिए कि जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो ज़ीरो फाइव ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके पास में तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मेट आएगा ना वन डिजिट होगी और टू डिजिट जैसे पहले आपको देखा था तो जीरो के साथ में ओनली कितनी डिजिट है फाइव मतलब ओनली ओनली वन वन डिजिट डिजिट है है तो के लिए क्या करना आपको बस ये लिखना है फाइव लिख दो ठीक है इन टू फाइव इन टू अब गिनो आप कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है पॉइंट तो पहले ही लगा हुआ है इसके अंदर ठीक है क्वेश्चन के अंदर तो वन टू थ्री फोर कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है फोर डिजिट है तो टेन के साथ में अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया पॉइंट अगर पहले हैं और फिर डिजिट लिखा हुआ है इस वाले फॉर्मेट के अंदर नेगेटिव पावर आएगी हमेशा तो वन टू थ्री फोर टेन के पावर माइनस फोर ठीक है तो जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जीरो पॉइंट जीरो जीरो इस टाइप से लिखा हुआ है अगर ठीक है ये एग्जाम्पल अगर आपके पास में है और इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर ठीक है तो कैसे करेंगे हम इसको तो हमें करना है आ, जैसे कि देखिए टू आपको लिख देना है ए की डिजिट है तो टू तो लिखना ही है इन पॉइंट यहां पर है आपका पॉइंट के बाद में वैल्यूज गिनो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितनी वैल्यूज है नाइन वैल्यूज है तो टेन की पावर माइनस नाइन ठीक है चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक और एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिया है देखिए जीरो पॉइंट ये इस तरीके का अब यहां पर देखो जीरो के साथ में कितनी डिजिट है यहां पर अदर डिजिट सेवन और थ्री मतलब टू डिजिट है तो टू डिजिट वाले में क्या करना है आपको कुछ ही नहीं करना है देखो हमेशा पॉइंट हमारे फर्स्ट डिजिट के बाद में आएगा तो सेवनटी थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूँ सेवन पॉइंट थ्री ठीक है पॉइंट हमारे को फर्स्ट डिजिट के बाद में लगाना है तो सेवन पॉइंट थ्री लिखा अब देखो यहां पर ध्यान रखना यहां पर मैंने क्या करा पॉइंट कहां पर लगाया पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद में लगेगा तो सेवन पॉइंट यहां पर लगा यह यह यहां पर लगा अब के इधर तो यहां तक आपको आप काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन कितनी पावर है फोर्टीन पावर है ठीक है तो टेन की पावर फोर्टीन आएगा लेकिन नेगेटिव पावर आएगा मैंने कहा था फॉर्मेट जो चलता है वो इसमें नेगेटिव पावर आती है तो टेन की पावर माइनस फोर्टीन ठीक है क्लियर है बात तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए कन्वर्जन चलिए आगे बढ़ते हैं कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स देखो कैसे कंपेयर करोगे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा थ्री और फोर में कौन ग्रेटर है आप कहोगे फोर ग्रेटर है तो यार ये तो नॉर्मल से नंबर है तो इनको तो आप कंपैरिजन कर सकते हो बट अगर पावर के फॉर्मेट में कोई नंबर आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल 4.56 पॉइंट इंटू टेन की पावर 8 दिख रहा है और 392 नाइन्टी टू इंटू टेन की पावर 7 नज़र आ रहा है इन दोनों में कैसे कन, आप कंपैरिजन करोगे कौन सा नंबर बड़ा है ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है सबसे पहले इनकी जो पावर है जो इनके बेसिस की पावर है यहाँ पर टेन की पावर लिखा हुआ है ना तो टेन की जो पावर है टेन की जो एक्सपोनेंट है इनको क्या करना होता है सबसे पहले आपको इक्वल करना पड़ता है आपको सेम करना पड़ता है तो इक्वेलेंट करेंगे अपन देखो यहां पर टेन इज रेस टू दी पावर एट है यहाँ पर टेन इज रेस टू दी पावर सेवन है हम क्या करेंगे टेन इज रेस टू दी पावर एट को तो सेवन बना नहीं सकते लेकिन हाँ टेन इज रेस टू दी पावर सेवन को हम एट बना सकते हैं क्लियर मतलब ज्यादा पावर को हम कम नहीं कर सकते ये बात ध्यान रखना कम पावर को हम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो हम क्या करेंगे टेन रेस टू दी पावर सेवन को टेन रेस टू दी पावर एट करना चाहेंगे अब कैसे करेंगे टेन रेस टू दी पावर एट देखते हैं तो देखो 4.56 पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन रेस टू द पावर एट इसको तो छेड़ो मत ठीक है इसको कन्वर्जन करो तो इसको कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं तो देखो थ्री नाइन टू इंटू टेन रेस टू द पावर सेवन लिखा हुआ है हम क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखना ध्यान रखना क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर इसकी पावर को बढ़ाने के लिए मतलब टेन रेस टू द पावर एट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं पॉइंट लगा सकते हैं पॉइंट कहाँ पर लगाना होगा अपने को बताओ पॉइंट हमें लगाना होगा यहाँ पर ध्यान रखना देखो हम पॉइंट अगर यहाँ पर लगाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज़ हैं वन वैल्यूज़ है तो वन पावर बढ़ जाएगी ठीक है अगर मैं पॉइंट आपका यहाँ पर लगाता हूँ तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है टू वैल्यूज़ है तो टू पावर बढ़ जाती है समझ लो मेरी बात को अगर मैं पॉइंट यहाँ पर लगाता तो पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज है वन टू थ्री वैल्यूज़ है तो थ्री वैल्यू थ्री पावर बढ़ जाती है ठीक है तो पॉइंट अपने को वहीं पे लगाना जितनी आपको वैल्यूज़ बढ़ानी है तो टेन की पावर एट है और यहाँ पर टेन की टेन इज़ रेस टू द पावर सेवन है तो हमारे को वन वैल्यूज़ ही तो बढ़ानी है तो थ्री नाइन टू लिखा हुआ है हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर ताकि पॉइंट के बाद में जितनी वैल्यूज़ है उतनी तो पावर बढ़ानी है तो ए की पावर बढ़ानी है तो पॉइंट हमने यहाँ लगाया तो ये थर्टी हो जाएगा और टेन के टेन इज़ रेस्ट टू द पावर एट हो गया क्लियर है बात कोई परेशानी बताओ ठीक है तो टेन इज रेस टू द पावर हमारा एट हो गया अब देखो बेसिस आ, बेसिस और पावर हमारी क्या हो गई इक्वेलेंट हो गई तो अब कंपैरिजन हम यहाँ पर कर सकते हैं तो देखो टेन रेस टू द पावर एट एंड यहाँ पर टेन रेस टू द पावर एट हो गया देखो थ्री नाइन्टी टू इंटू टेन रेस टू द पावर सेवन ठीक है तो थ्री नाइन्टी टू इंटू टेन इज रेस टू द पावर इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया थर्टी नाइन पॉइंट टू इंटू टेन रेस्टू द पावर एट और एक नंबर है हमारे पास में फोर पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन रेस्टू द पावर एट अब हमारी क्या हो गई हमने कन्वर्जन हमने मतलब सेम कर दिया इनकी पावर को टेन इस रेस्टू दावर एट टेन रेस्टू टू द पावर एट अब इन अब इन नंबर्स को देखना है बस आपको कि भाई ये तो इक्वैलेंट हो गया ना तो इससे तो अपने को मतलब ही नहीं है ठीक है हमें तो इसको देखना है ठीक है तो थर्टी नाइन पॉइंट टू और फोर पॉइंट फाइव सिक्स में देखो भैया कौन बड़ा है तो आप कहोगे सर ये वाला नंबर बड़ा है तो ये वाला नंबर बड़ा होने का मतलब है कि थर्टी नाइन पॉइंट टू जो होगा वो थर्टी नाइन पॉइंट टू इंटू टेन रेस्वी पावर एट जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे इससे ठीक है तो फोर पॉइंट इंटू टेन रेस्वती पावर एट से और इसको अपन क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ये लिखा हुआ था इस फॉर्मेट में तो अपन ऐसे लिखते थे थर्टी थ्री नाइनटी टू इंटू टेन रेस्वती पावर सेवन इज ग्रेटर देन फोर पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन की पावर एट क्लियर है इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है तो आपको क्या करना सिंपली सबसे पहले पावर सेम करो पावर सेम करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया ठीक है तो आपको क्या करना है इनकी एक्सपोनेंट को सेम करना है और एक्सपोनेंट को सेम करने के बाद में फिर कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा आपके लिए तो कंपेरिजन देखो 10 टेन टू द पावर 8 यहाँ पर भी है 10 टू रेस्टू पावर 8 यहाँ पर भी है तो इनको तो अपने को देखना नहीं है अपने को तो ये जो अदर नंबर है इनको ही तो कंपेयर करो भाई यहाँ ये इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो इनमें तो कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है फोर और थर्टी को देख लो जो बड़ा है वही नंबर बड़ा होगा आपका क्लियर है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है तो ये चैप्टर अपना खत्म हो गया एक तरफ से इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया अब इसकी एक्सरसाइज इस स्टार्ट करेंगे हम ठीक है तो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ग्रीन बोर्ड पर जाकर इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स को पूरा देख सकते हो आप ठीक है तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है और बस इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे थैंक यू सो मच